24/7 काम करता है ये, और इसमें इनबिल्ड चैट बॉट भी है जिसकी मदद से आप लोगों को ऑटो रिप्लाइज भी भेज सकते हैं। इतना ही नहीं है इसमें, इसमें और भी बहुत कुछ है। और क्या है, सपोज करो कि आपका कस्टमर आपकी वेबसाइट पर फॉर्म भरा और हम चाहते हैं कि ये व्हाट्सएप हमारा ऑटोमेटिक मैसेज भेज दे। किसी ने आपके फेसबुक पर एड चलाई थी और फेसबुक फॉर्म भरा और फॉर्म भरते ही व्हाट्सएप ऑटोमेटिक मैसेज भेज दे। वो सोचेगा सामने वाला, यार हमने फॉर्म तो फेसबुक पे भरा, मैसेज हमको व्हाट्सएप तुरंत आ गया इंस्टेंट। इतना इंसान काम तो नहीं कर सकता ना तेज, बट ऑटोमेशन के थ्रू आप कर सकते हो। आज हम लोग सीखेंगे क्लाउड व्हाट्सएप मार्केटिंग का एक नया पैनल हमने लॉन्च करा है कल, जो पुराना वाला था उससे थोड़ा एडवांस है और अच्छा है, तो उसको आज देखेंगे। तो सिस्टम सभी लोगों के पास होगा ही ना, कोई है बिना सिस्टम वाला? नहीं है। आप सबको क्या करना है, सबसे पहले हम लोग अकाउंट क्रिएट करेंगे अपने क्लाउड व्हाट्सएप मार्केटिंग सॉफ्टवेयर में, और इस व्हाट्सएप मार्केटिंग सॉफ्टवेयर की मदद से आपके पास जो भी कस्टमर्स हैं उनको आप बल्क में मैसेज भेज सकते हैं। क्लाउड से भेजने का मतलब है कि आपको सिस्टम की रिक्वायरमेंट सिर्फ सेटअप करने के लिए है, उसके बाद सिस्टम ना होते हुए भी आपका कैंपेन चलता रहेगा, मैसेज ऑटोमेटिक जाते रहेंगे। 24/7 काम करता है ये, और इसमें इनबिल्ड चैट बॉट भी है जिसकी मदद से आप लोगों को ऑटो रिप्लाइज भी भेज सकते हैं। मैसेज को शेड्यूल भी कर सकते हैं, मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपका मैसेज अभी सेट करके डाल दिया और 2 बजे के बाद ऑटोमेटिक जाना शुरू हो जाए, तो बिल्कुल ये सारी चीजें पॉसिबल हैं। और आज हम पूरा एक बिजनेस के लिए इसको सेटअप करेंगे, एकदम इन डेप्थ में इसको सीखेंगे कैसे काम करता है। तो सबको फ्री ट्रायल मिल जाएगा, मतलब कैसे कैसे करना है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, साथ साथ में करते चलिएगा और अपने लिए इसको सेट कर लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, wasenderbot.com ये वेबसाइट है, क्रोम पे जाइए, wasenderbot.com इसको हम क्रोम पर ओपन करेंगे। और जब हम क्रोम पर ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुल के आएगा। सेंडर बॉट ऊपर देखिए ना, लिखा भी तो है, wasenderbot.com वेबसाइट पर आपको आना है और यहाँ पर आपको लॉग इन या साइन अप पर क्लिक करना है। लॉग इन हम तब करते हैं जब हमारा अकाउंट पहले से बना हो, क्योंकि हम सभी लोग फर्स्ट टाइम ट्रायल इसका लेने जा रहे हैं, तो हम लोग साइन अप पर क्लिक करेंगे, ठीक है। साइन अप पर क्लिक करेंगे और साइन अप पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपना डिटेल फिल करना है, आपका फुल नेम, यूजर नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड, ये सारी चीजें डालनी है। तो सपोज करिए हमने यहाँ पर फुल नेम डाल दिया अपना रवि वर्मा, और यूजर नेम में आप कुछ भी ले सकते हैं, हमने यहाँ पर नीट बूस्टर ले लिया। आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप इंटरनेट पर कहीं यूजर नेम आपसे पूछता है तो यूजर नेम में कभी स्पेस नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने नीट बूस्टर डाल दिया बिना किसी स्पेस के, तो आप कुछ भी डाल सकते हैं, ये आपके ऊपर है। उसके बाद आपको अपना ईमेल आईडी डाल देना है, तो मैंने ईमेल आईडी डाल दिया। आपको एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है, तो मैंने एक पासवर्ड क्रिएट कर लिया। उसके बाद हम आई एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करके साइन अप पर क्लिक करेंगे। बहुत ही जबरदस्त और पावरफुल चीज है बिजनेस को बढ़ाने के लिए, लीड को फॉलो अप करने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास डेटा है 100 लोगों का, 200 लोगों का, 300 लोगों का, और आप चाहते हैं कि उनको हर हफ्ते भर बाद या फिर 15 दिन बाद उनको रेगुलर मैसेज जाता रहे, साथ ही साथ आपके व्हाट्सएप पर जो लोग मैसेज करें उनको बढ़िया रिप्लाई जाए, जो क्वेश्चन वो पूछे उस क्वेश्चन का रिप्लाई जाए, इवन इसमें चैट जीपीटी भी इंटीग्रेट करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। इसी में चैट जीपीटी इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या होगा कि ऑटो रिप्लाई जो जाएगा चैट बॉट से, अगर आपने उसका रूल नहीं बना रखा है तो भी आपका रिप्लाई जाएगा, ठीक है। सपोज करिए कोई कोर्स हम बेच रहे हैं, तो कोर्स के लिए हमने ऑटोमेशन बना दिया कि ये वाले कोर्स के लिए हमने कुछ बता दिया कि ये रिप्लाई जाना है, बट अगर क्वेश्चन ऐसा है जिसका हमने रिप्लाई इसमें ऑटो रिप्लाई नहीं बनाया है, उसका भी रिप्लाई हमारा चैट जीपीटी करेगा, तो इसको जल्द ही हम लोग इम्प्लीमेंट करने वाले हैं इसमें, ठीक है। तो ये फॉर्म सबने फिल कर लिया। फॉर्म फिलअप करने के बाद हम लोग साइन अप पर क्लिक करेंगे, और जैसे ही हम साइन अप पर क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। मेरा अकाउंट मुझे लगता है पहले से बना हुआ है, इसीलिए यहाँ पर आ रहा है ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। तो मुझे लगता है मेरा अकाउंट पहले से बना हुआ है।
आप सब लोगों का अकाउंट देखिए बन गया। अच्छा, अगर बाई चांस आप मेरा अकाउंट मान लीजिए बना है, मैं पासवर्ड भूल गया हूँ, तो मैं पासवर्ड अपना रीसेट भी कर सकता हूँ। तो फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे, अपना ईमेल आईडी डालेंगे, सबमिट करेंगे और ये मेल हमारे को भेज दिया गया है, हम इसको रीसेट कर लेते हैं। आप सब लोग लॉगिन कर लीजिए। अब हम लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के टाइम आप यहाँ पर अपना यूजर नेम जो बनाए थे वो डाल सकते हैं या फिर अपना ईमेल आईडी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम अपना ईमेल आईडी डाल दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपको पासवर्ड डालना है जो आपने बनाया है और आपको इसको लॉगिन करना है। देखो मैंने लॉगिन कर लिया, आप सभी लोग भी लॉगिन कर लीजिए। जब आप लॉगिन करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल के आएगा। आप लोगों का 500 दिखा रहा हो क्योंकि आप लोगों का ट्रायल वाला प्लान है, ठीक है। पेड वाला लेंगे तब 3 लाख आएगा। कोई बात नहीं, 500 मैसेज अभी भेजिए फिर देखते हैं। 500 मैसेज कम थोड़ी ना है। हाँ, तो यहाँ तक सारे लोग पहुंच गए, आगे बढ़े, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है व्हाट्सएप का, उसके बाद अकाउंट मैनेजर का, फाइल मैनेजर का और टूल्स का, ठीक है। लेफ्ट साइड में जब आप स्क्रॉल करेंगे ऐसे, देखिए ऐसे करेंगे ना ऐसे, तब आपको ऑप्शन मिलेगा व्हाट्सएप का, अकाउंट मैनेजर का, फाइल मैनेजर का और टूल्स का। तो आपको व्हाट्सएप वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जब आप व्हाट्सएप वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको रिपोर्ट, प्रोफाइल, बल्क मैसेज, ऑटो रिस्पॉन्डर, चैट बॉट, एक्सपोर्ट पार्टिसिपेंट, एपीआई, बटन टेम्पलेट, लिस्ट मैसेज और कॉन्टैक्ट, ये सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर आपको रिपोर्ट मिलेगी कि कितने मैसेज आपने सेंड किए हैं, कितना मैसेज आपने टोटल भेजा है, कितना सेंड हुआ है, कितना फेल्ड हुआ है, ऑटो रिस्पॉन्डर के द्वारा कितना मैसेज गया है, चैट बॉट के द्वारा कितना मैसेज गया है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर रिपोर्ट में देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ऐड अकाउंट पर क्लिक करेंगे और ऐड अकाउंट पर क्लिक करते ही आपको क्यूआर कोड दिख जाएगा, ठीक है। इस क्यूआर कोड को आपको अपने व्हाट्सएप से लिंक कर लेना है। तो व्हाट्सएप में देखो आप 3 डॉट का जो ऑप्शन है, इस 3 डॉट पर क्लिक करेंगे तो आपको लिंक्ड डिवाइस का ऑप्शन मिलता है। व्हाट्सएप में ऊपर जो 3 डॉट का ऑप्शन है ना, इस पर क्लिक करेंगे तो लिंक्ड डिवाइस का ऑप्शन मिलता है और यहाँ पर लिंक का डिवाइस पर क्लिक करके आपको क्यूआर कोड को स्कैन कर लेना है। और जैसे ही आप कर लेंगे तो आपका व्हाट्सएप इसमें ऑटोमेटिक देखिए लॉगिन होकर के लिंक हो गया, जैसे हमारा हो गया, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हमारी प्रोफाइल लिंक हो गई है, ठीक है। व्हाट्सएप लिंक होने के बाद अगेन हम व्हाट्सएप पर क्लिक करेंगे और उसके बाद प्रोफाइल मैनेजमेंट में हम अपने व्हाट्सएप को देख सकते हैं। यहाँ पर सेलेक्ट व्हाट्सएप अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो व्हाट्सएप हमने लिंक किया है वो दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये व्हाट्सएप हम लिंक किए हैं। तो देखो फ्री वाले अकाउंट में केवल आप 1 व्हाट्सएप स्कैन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने पेड प्लान ले रखा है तो इसमें आप 5 अकाउंट ऐड कर सकते हैं, यानी कि आप 5 व्हाट्सएप नंबर इससे स्कैन कर सकते हैं अपने, समझ गए। और आप चाहे तो जिस वाले नंबर से चाहे उस नंबर से मैसेज भेज सकते हैं। फ्री वाले में, ट्रायल वाले में 1 है और जो बेसिक प्लान है उसमें 3 है, उसके बाद उसके ऊपर वाला प्लान है जो एंटरप्राइज बिजनेस वाला उसमें शायद 5 है, उसके ऊपर एक प्लान है उसमें 10 है। हम मल्टीपल नंबर का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि जैसे मान लो हमें बल्क में मैसेज भेजना है तो हम एक ही नंबर से सारे मैसेज नहीं भेजते हैं, अलग अलग नंबर से मैसेज भेजते हैं ताकि हमारा नंबर ब्लॉक ना हो ना, नहीं तो बिजनेस में बल्क मैसेज करने में ज्यादा चांस होता कि आपका नंबर ब्लॉक हो जाएगा। इसलिए हमको जरूरत पड़ती है कि मान लो हमारे पास 1000 लोगों को मैसेज भेजना है तो हम 5 नंबर हैं तो 200 सबसे मैसेज भेजेंगे, है ना। तो मैसेज क्या होगा, कैटेगरी, एक ही नंबर से 1000 मैसेज भेजोगे आपका नंबर ब्लॉक होने का चांस है, ठीक है। तो आप 200 भेजेंगे तो आपका नंबर ब्लॉक नहीं होगा, इसलिए हम मल्टीपल नंबर्स का यूज करते हैं व्हाट्सएप मार्केटिंग में, क्योंकि ये अनऑफिशियल है, व्हाट्सएप के द्वारा ऑथराइज नहीं है, इसलिए आपको ये करना ही करना पड़ेगा, मतलब मल्टीपल नंबर से मैसेज भेजना पड़ेगा, ठीक है। और नंबर की क्रेडिबिलिटी भी मैटर करती है। मान लो कि आपका नंबर पुराना है या फिर आपके नंबर में बहुत सारे लोगों का कम्युनिकेशन होता है, बहुत सारे मैसेजेस आपके पास आ रहे हैं तो आप ज्यादा लोगों को मैसेज भेज सकते हैं। मान लीजिए आप एकदम नया नंबर लाए, खरीद करके व्हाट्सएप बनाया और इससे मैसेज भेजना शुरू कर दिया, इवन इससे नहीं किसी भी व्हाट्सएप मार्केटिंग से आप मैसेज भेजेंगे तो आपका नंबर ब्लॉक हो जाएगा। तो नंबर को थोड़ा सा वार्म अप करना पड़ता है, पहले आप कुछ लोगों को मैसेज भेजिए अपने नोन लोगों को। देखो व्हाट्सएप कब आपको बैन करता है, ब्लॉक करता है,
आप इतना ध्यान रखिए कि आपको जिसको मैसेज भेज रहे हैं वो रिपोर्ट या ब्लॉक ना करे, बस। एक आध लोगों से कुछ नहीं होता है, मतलब अगर ज्यादा लोग करते हैं, जैसे मान लो हमने 1,000 लोगों को भेजा और उसमें तो 200 लोग हमको ब्लॉक मार दिए, तो बहुत ज्यादा हो गया ना। फिर व्हाट्सएप को लगेगा कि आप स्पैमिंग कर रहे हो, फर्जी काम कर रहे हो, तो वो फिर आपको बैन कर देगा। तो आप अपने नोन लोगों को ही मैसेज भेजें, आपके जो ऑप्ट इन यूजर्स हैं, जिन्होंने आपको अपना नंबर दिया हुआ है या जो आपको जानते हैं उन्हीं को भेजिए, क्योंकि जो जानता है वो थोड़ी ना ब्लॉक करेगा। जो अननोन है, किसी अननोन को कुछ भी मैसेज भेजो तो वो ब्लॉक करेगा भाई आपको, ठीक है? तो ये हमको ध्यान रखना है ताकि हम लोग ब्लॉक ना हो। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है बल्क मैसेजिंग का, ठीक है? बल्क मैसेजिंग में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर बल्क मैसेजिंग पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको प्लस का आइकन मिलेगा और यहाँ से आप न्यू कैंपेन रन कर सकते हो। कैंपेन रन करने से पहले आपको अपना व्हाट्सएप अकाउंट प्रिफर करना है कि किस वाले नंबर से आपको मैसेज भेजना है। मैंने आपको बताया कि आप इसमें एक से अधिक नंबर स्कैन कर सकते हो, तो वो लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी सारी, ठीक है? तो यहाँ पर आपको नंबर सेलेक्ट करना है और नंबर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कैंपेन नेम डालेंगे और कॉन्टैक्ट ग्रुप डालेंगे। यहाँ पर देखेंगे हमारे पास कोई कॉन्टैक्ट ग्रुप नहीं बना है। कॉन्टैक्ट ग्रुप क्योंकि हम बल्क मैसेज करने जा रहे हैं ना, तो सबसे पहले हमको एक नंबर की फाइल बनानी पड़ेगी और उस नंबर का एक ग्रुप बनाना पड़ेगा, समझो? जैसे मान लो आपके पास 1,000 नंबर हैं, 1,000 नए कस्टमर हैं, कुछ ओल्ड कस्टमर होंगे, कुछ रिपीटेड कस्टमर होंगे, कुछ नया डेटा होगा, तो अलग अलग तरीके के पास आपके पास नंबर होंगे। उन सारे नंबर को हम अलग अलग ग्रुप में बना करके इसमें सेव कर लेंगे पहले, जैसे आप मोबाइल में अपने नंबर सेव कर लेते हो ना, उसी तरीके से इसमें सेव कर लेंगे, ठीक है? तो वो कहाँ कहाँ से सेव होगा, आप देखो सबसे नीचे आपको कॉन्टैक्ट का ऑप्शन आ रहा है, कॉन्टैक्ट का दिखा सबको। इस कॉन्टैक्ट के ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे, सबसे नीचे देखिए कॉन्टैक्ट का ऑप्शन आ रहा होगा। इस कॉन्टैक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करके आप प्लस पर क्लिक करेगा, ऐड न्यू पर क्लिक करेगा और यहाँ पर आप अपने ग्रुप का नाम डाल सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर जैसे मैंने डाल दिया न्यू लीड्स, तो आप कुछ भी डाल सकते हो, आपके पास कस्टमर से आप कस्टमर डाल सकते हो। यहां पर हम न्यू लीड के नाम से ग्रुप बना रहे हैं, ठीक है? तो इसको हम सबमिट करेंगे और हमारा ग्रुप क्रिएट हो जाएगा। अब देखो जैसे मान लो मेरे पास नीट अभ्यास की बहुत सारी लीड्स पड़ी हैं, अब इसमें मेरे पास बहुत सारे कस्टमर भी हैं, बहुत सारे अनसब्सक्राइब मेंबर भी हैं, अलग अलग तरीके के लोग हैं, ठीक है? तो हम थोड़ा सा फिल्टर करेंगे। ये सब ऐसे सॉफ्टवेयर हैं, क्योंकि अभी आप डीबीसी बेचने जाओगे तो आपके पास डेटा कलेक्ट होगा ना, उस डेटा को इसी सॉफ्टवेयर से आपको मार्केट करना है, ठीक है? या फिर आपका जो भी बिजनेस है उसके लिए आपको आपको जैसे यूज करना ही करना है। अब देखो यहां पर हमारे पास चार तरह के कस्टमर हैं, ठीक है? हमारे सीआरएम में एक है न्यू लीड, एक है हॉट लीड, एक है पेड, एक है अनसब्सक्राइब। तो न्यू लीड का मतलब नए कस्टमर, हॉट का मतलब जो कोर्स में इंटरेस्टेड है, और पेड कस्टमर का मतलब हो गया जिन्होंने कोर्स ले रखा है। तो यहाँ पर हमारे पास कैटेगरी, तो हम इतने चार ग्रुप बना लेंगे, ठीक है? ऐसे आप कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर आपको ये भी देखना है कि आपको परमिशन कितना दिया गया है। जैसे आप फ्री ट्रायल में शायद हमें लगता है 500 नंबर ही ऐड कर सकते हो एक ग्रुप में, पेड वाले में हम लोग 10,000 नंबर तक यूज कर सकते हैं। अलग अलग प्लान में अलग अलग आपको ऑप्शन दिए जाते हैं, किसी में 5,000 है, किसी में 10,000। तो आप क्या कर सकते हो, अधिक ग्रुप बना सकते हो, मतलब एक ग्रुप में 5,000 नंबर ऐड कर सकते हो, तो आप दो ग्रुप बना लो अगर 10,000 ऐड करना है, समझ गए? ऐसे कर सकते हैं आप। तो मान लो हमारे पास यहाँ पर काफी सारे नंबर हैं और इसमें से हमारे पास करीब 20,000 नंबर हैं, और 20,000 नंबर में हम थोड़ा सा फिल्टर करेंगे, स्टेटस वाइज स्टेटस पे क्लिक करेंगे और इसको क्विक फिल्टर मारेंगे, और यहाँ पर किसको किसको हमें लेना है, हॉट और न्यू को लेना है, तो हॉट और न्यू को ले लिया हमने, ठीक है? या फिर मान लो केवल हमें कस्टमर से लेने हैं, ठीक है? केवल हमें कस्टमर से लेने हैं, कस्टमर हमारे हैं 85, तो हमने ये ले लिया और यहाँ पर हमारे केवल कस्टमर्स के नंबर आ गए सारे, ठीक है? अब यहाँ पर आपको ये देखना कि आपके जो नंबर है मोबाइल नंबर, बहुत ध्यान से एक भी नंबर गलत ना हो, उसमें 91 लगा होना जरूरी है। आप देखो हमारे सारे नंबर में 91 लगा है, ये सारे नंबर हमने सेलेक्ट कर लिए और इसमें देखो एक नंबर में 91 नहीं भी लगा है, ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक ग्रुप और बना लेंगे, किस नाम से, कस्टमर नाम से, क्योंकि ये सारे हमारे कस्टमर है ना, तो हम यहाँ पर पेड यूजर्स के नाम से एक और ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है?
और इस पेड यूजर के यहाँ पर आप ग्रुप के नाम को एडिट कर सकते हैं और यहाँ से आप नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। जो बीच वाला ऑप्शन है ना, इस पर आप क्लिक करिएगा और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको इम्पोर्ट पर क्लिक करना है। इम्पोर्ट पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अपलोड सीएसवी का ऑप्शन आता है, सीएसवी फाइल। तो आप एक टेम्पलेट डाउनलोड करके उस फॉर्मेट में आपको नंबर सारे डालना है और अपलोड कर देना है। हमको इजी ये लगता है वाया फॉर्म वाले में क्या है कि हमने वहां से जो नंबर कॉपी किए वो सारे नंबर हम यहाँ पर एज इट इज पेस्ट कर देंगे। आप देख सकते हो ये हमने पेस्ट कर दिया और यहाँ पर एक दो नंबर गड़बड़ थे, उनको जरा हम सही भी कर लेते हैं। किसी नंबर में 91 नहीं लगा था, वहीं पे सही कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप अपने अपने दोस्तों के नंबर डाल करके एक लिस्ट बना लीजिए, 4-5 ही नंबर डाल लीजिए, बनाइए जल्दी से लिस्ट। और ऐसे आपको नंबर डालने हैं 4-5, चाहे तो अपने दोस्तों के डाल सकते हैं, किसी के भी डाल दीजिए टेस्टिंग पर्पज के लिए, ताकि आप हमारे साथ साथ सीख भी सके ना। यहाँ पर जो भी स्पेस है वो भी हम रिमूव कर देंगे। आप देख सकते हो काफी सारे स्पेसेस भी थे यहाँ पर। तो आपको बहुत ही साफ सुथरे तरीके से नंबर 91 के साथ में सारे नंबर आपको डाल देने हैं, ठीक है। और ये नंबर डालने के बाद हम यहाँ सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे और जैसे ही हम सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर हमको दिख जाएगा कि हमारे पास कितने नंबर, ये सारे नंबर ऐड होकर के आ गए हैं, ठीक है। अगेन हम कॉन्टैक्ट पर क्लिक करेंगे और कॉन्टैक्ट पर क्लिक करके देख सकते हैं यहाँ पर पेड यूजर्स हमारे पास 35 आ गए हैं। तो सबसे पहले आपको ग्रुप बना लेना है। ग्रुप हमें क्यों बनाना है, ताकि आप जिन पर्टिकुलर लोगों को मैसेज भेजना चाहते हैं उन्हीं लोगों को मैसेज जाए। तो आपके पास बहुत सारी कैटेगरी होगी, मान लो एक फ्रेंड्स का ग्रुप बना लिया, अगर आपको दोस्तों को कोई विश करना है, कोई त्योहार आया उसकी विशिंग का मैसेज भेजना है, तो आपने अपने मोबाइल से सारे नंबर निकाला और एक्सेल में उसको अच्छे से फॉर्मेट कर लिया 91 लगा करके, और सारे नंबर जो गलत होंगे उनको सही कर लेना है, अगर कुछ स्पेस है उसको हटा देना है, मतलब क्लीन नंबर आपको जो 12 डिजिट होगा 91 मिला करके वो पूरा बना करके, और उसके बाद आप क्या करिएगा यहाँ पर कॉन्टैक्ट ग्रुप बनाएंगे और कॉन्टैक्ट ग्रुप में बनाने के बाद इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद में आप क्या करेंगे इम्पोर्ट पर क्लिक करेंगे और उसके बाद वाया फॉर्म पर क्लिक करने के बाद वो सारे नंबर आप यहाँ पर पेस्ट करके एक बार चेक कर लेंगे, नंबर सारे सही होने चाहिए, और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही ये करेंगे आपके नंबर इस तरीके से दिख जाएंगे। अगर इसमें कोई नंबर गड़बड़ हो गया तो आप उसको सेलेक्ट करिए यहाँ से और ऊपर देखिए डिलीट का बटन है, यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरीके से आप अपने कॉन्टेक्ट ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान है, कोई डिफिकल्ट चीज इसमें है नहीं, आप एक बार करके देखिए साथ साथ में। कॉन्टैक्ट सबके बन गए, ग्रुप बन गया। अब हम लोग यहाँ पर उसके बाद एक अगला ऑप्शन देखते हैं, ऑटो रिस्पॉन्डर का। ऑटो रिस्पॉन्डर का मतलब होता है कि जैसे कोई कस्टमर आपको मैसेज करता है तो आप चाहते हो कोई मैसेज ऑटोमेटिक उसको चला जाए वन टाइम, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे ऑटो रिस्पॉन्डर, और ये किसको जाएगा, सबको जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑटो रिस्पॉन्डर पर आपको जाना है और सेलेक्ट व्हाट्सएप अकाउंट पे क्लिक करके आप एक या फिर सारे कॉन्टेक्ट जो जितने नंबर आपने ऐड किए थे वो ले सकते हैं। तो मान लो हमने ये नंबर ऐड किया था, इस पर हमने क्लिक कर दिया, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर आपको ऑप्शन आता है ऑटो रिस्पॉन्डर का स्टेटस क्या है, अभी डिसेबल है, हम इसको क्या कर देंगे इनेबल कर देंगे। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है सेंट टू का। तो सेंट टू में क्या क्या ऑप्शन है, एक तो आप इंडिविजुअल्स को भेज सकते हैं, दूसरा ग्रुप में भेज सकते हैं, और तीसरा सबको भेज सकते हैं। तो हम किसको भेजना चाहेंगे, इंडिविजुअल्स को, ठीक है। और क्या आप भेज सकते हैं, जैसे मैं चाहता हूं कि हमारे को कोई भी कस्टमर मैसेज करे तो उसको ऑटोमेटिक हम अपने किसी सोशल मीडिया का, यूट्यूब का, या फिर किसी ग्रुप का हम चाहते हैं कि उसको मैसेज चला जाए, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो हमारे पास एक ग्रुप बना है और हम चाहते हैं कि जो भी लोग हमें मैसेज करें उनको सबसे पहला मैसेज हम ये दे दें कि यार आप ना मेरे ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये ग्रुप की लिंक हमने कॉपी करी और यहाँ पर हमने डाल दिया प्लीज ज्वाइन आर व्हाट्सएप ग्रुप फॉर नोटिफिकेशंस, अपडेट्स एंड ऑफर्स, ठीक है। और यहां पर हमने लिंक डाल दिया। तो ये हम मैसेज किनको भेजेंगे बताओ, जो हमें कोई भी हमें मैसेज करेगा हम उसको ये मैसेज भेजना चाहते हैं कि यार आप मेरा ना व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो सो दैट आपको अपडेट नोटिफिकेशन और ऑफर मिलते रहे, और ये हम सबको भेजना चाहते हैं। उसके बाद यहां पर आपको ऑप्शन मिलता है, आप अपना यहां पर मीडिया भी लगा सकते हैं, फाइल मैनेजर में जा करके
आप अपनी फाइल्स को भी ऐड कर सकते हैं, और आप चाहते हैं कि इसके साथ साथ फोटो भी जाए तो ऐसा भी संभव है इसमें, ठीक है। तो आप फोटो भी, अभी हम आगे फोटो अपलोड करना आपको बताएंगे, उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ कैप्शन ऐड करने का ऑप्शन, सेव करने का ऑप्शन, यूआरएल शॉर्टनर का ऑप्शन, ये सारे ऑप्शन दिए गए हैं। इनको आप नीड के हिसाब से यूज करेंगे, हमें कोई जरूरत नहीं पड़ती तो हम नहीं यूज करेंगे। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है रीसबमिट मैसेज ओनली आफ्टर 1 मिनट। इसका मतलब ये है कि मान लो एक कस्टमर ने आपको मैसेज करा तो ये मैसेज जाएगा, फिर यहां पर हमने सेटिंग लगा रखी कि यार 1 मिनट बाद अगर फिर मैसेज करे तो फिर उसको ये रिप्लाई जाए, तो हम बार बार नहीं चाहते कि उसको जाए। हम क्या चाहते हैं कि यार 3600 मिनट बाद, सबसे हाईएस्ट टाइम इसमें है 3600, तो 3600 मिनट के बाद अगर वो फिर से मैसेज करे तभी उसको मैसेज जाए, अदरवाइज ना जाए, ठीक है। मतलब मान लो आपने मेरे को मैसेज करा तो मेरा ये मैसेज आपको तुरंत ऑटोमेटिक जाएगा, ये है ऑटो रिस्पॉन्डर। 1-2 मिनट बाद फिर मैसेज किया, पता चला फिर चला गया, तो वो सामने वाला बंदा परेशान होगा ना। तो हम चाहते हैं कि नहीं यार, एक लंबी कन्वर्सेशन जो चले, मतलब 3600 मिनट तक एक बार जाए, उसके बाद अगले 3600 मिनट के बाद ही जाए अगर वो मैसेज करे तो। मान लो 3600 मिनट के बाद नेक्स्ट डे उसने फिर से मैसेज किया तो फिर से ये लिंक जाएगा, ठीक है। और हम ऐसा क्यों करना चाहते हैं, ताकि हमारे सारे कस्टमर्स उस ग्रुप को जरूर से जरूर ज्वाइन कर ले, है ना। या फिर आप किसी अपने YouTube चैनल का लिंक डाल सकते हो, सोशल मीडिया का लिंक डाल सकते हो, जो आप डालना चाहें वो डाल दें, और ये जरूरी भी है, बहुत ज्यादा जरूरी सेट करना। 2 दिन बाद 1 दिन बाद अगर जा रहा है तो कोई परेशान नहीं होता है उससे, और एक ही बार तो जाएगा ना, वो भी तब जाएगा जब वो मैसेज करेगा, नहीं तो नहीं जाएगा। अगर लंबे से, मान लो एक बंदे ने मैसेज किया आज इसको, हमारा ग्रुप का मैसेज किया, 1 महीने बाद फिर से वो मैसेज करता, तो ऑटोमेटिक सबसे पहले हम ग्रुप का मैसेज जाना चाह रहे हैं कि जाए, इसलिए ये सेटिंग हमने करी है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक्सेप्ट कॉन्टेक्ट का ऑप्शन है, मतलब अगर आप चाहते हैं कि इन लोगों को मैसेज ना जाए, कुछ ऐसे नंबर्स हैं आपके कस्टमर्स हैं या जो भी नंबर्स हैं, तो आप उन सारे नंबर को यहाँ पर कामा लगा करके पेस्ट कर सकते हैं, जितने भी नंबर हैं, जैसे आप चाहते हो कि इन इन लोगों को बार बार ना जाए या जाए ही ना, तो आप उनको क्या कर दीजिए, यहाँ पर एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, तो उन लोगों को मैसेज नहीं जाएगा, हम नहीं चाहते हैं तो हम सबमिट पर क्लिक कर देंगे। अब ये सेट करने के बाद, जैसे ही ऑटो रिस्पॉन्डर हमने सेट करा तो यहाँ पर सबमिट करेंगे तो आप देखो सक्सेस का ऑप्शन आ गया है, और एक बार दोबारा से, हाँ सक्सेस का ऑप्शन आ गया। फिर से हम ऑटो रिस्पॉन्डर पर क्लिक कर लेते हैं, और यहाँ पर हमारा ऑटो रिस्पॉन्डर चेक करते हैं कि इनेबल हुआ है या नहीं हुआ है, तो ये इनेबल है और सारी तरीके से काम कर रहा है। अब देखो हमारा ये जो नंबर है ना, ये जो नंबर जिसपे हमने ऑटो रिस्पॉन्डर लगाया है, आप चाहे तो अपने पे लगा करके दूसरे से बोल दो मैसेज कर दे, हमने जो लगाया है उस नंबर पर आप टेस्ट कर सकते हैं ऑटो रिस्पॉन्डर। भैया हमने ऑटोमेशन अपने नंबर पे लगा दिया, अब कोई कस्टमर हमें अगर इस नंबर पे मैसेज करेगा तो हमारा रिप्लाई ऑटोमेटिक उसको जाएगा, तो आप इस नंबर पर मैसेज करके टेस्ट कर सकते हैं आपको आ रहा है रिप्लाई कि नहीं आ रहा। या फिर आप अपना बनाइए और अपने बगल वाले से मैसेज कराइए, आप अपना ऑटो रिस्पॉन्डर बनाइए, मैसेज एक लिखिए और सामने वाले से बोलिए कि आपको उस नंबर पर मैसेज करें। तो चलो ऑटो रिस्पॉन्डर के बाद हम लोग शुरू करते हैं चैट बॉट, ठीक है। ऑटो रिस्पॉन्डर के बाद अब हम लोग बनाएंगे चैट बॉट, और ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, ठीक है, खासकर बिजनेस ऑनर्स के लिए। चैट बॉट पर हम लोग आएंगे, और चैट बॉट पर यहां पर हम ऐड आइटम पर क्लिक करेंगे। ऐड आइटम पर पहले देख लो फिर करो, ठीक है, पहले देख लो फिर करो। आपको चैटबॉट पर आना है, ऐड आइटम पर क्लिक करना है, और जब हम ऐड आइटम पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इनेबल करने का ऑप्शन है, ऑलरेडी इनेबल है। सेंड टू, आप किसको ये चैटबॉट भेजना चाहते हैं, इंडिविजुअल को, हम नहीं चाहते कि ग्रुप में भी जाए तो हमने इंडिविजुअल कर दिया। उसके बाद यहाँ पर है मैसेज कंटेन्स द कीवर्ड और मैसेज कंटेन्स द होल कीवर्ड, इन दोनों में बहुत बारीक सा अंतर है। अंतर क्या है, हमने लिख दिया मैसेज कंटेन्स द कीवर्ड, इसका मतलब जो मैसेज हम टाइप करेंगे अगर वो मैसेज हमारे पूरे सेंटेंस में, वर्ड में, फ्रेज में कहीं भी वो लेटर आ गया तो हमारा चैटबॉट काम कर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमने यहां डाला ग्रीटिंग, ग्रीटिंग डाला, और ग्रीटिंग में हमने कीवर्ड सेट करा हाय, उसके बाद एंटर किया, उसके बाद HII लगाया, उसके बाद यहां पर हेलो लिखा। तो इस तरीके से आपको मल्टीपल कीवर्ड्स बनाने हैं। क्यों बनाने हैं मल्टीपल कीवर्ड्स,
क्योंकि कस्टमर उधर से जैसे ही हाई रिप्लाई करे तो हम चाहते हैं कि हमारा व्हाट्सएप ऑटोमेटिक उसको मैसेज भेजे कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वो कीवर्ड्स डाल देने, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बारीक सी बात है वो ध्यान दीजिएगा, हमने लिखा मैसेज कंटेन्स द कीवर्ड और यहां पर मैंने लिया एच आई और एच डबल आई और उसके बाद हमने लिया हेलो। अब अगर हम यहां पर मैसेज लिखते हैं, मान लो हमने रिप्लाई में लिखा हाय हाउ आर यू, ठीक है, तो ये मैसेज हमारा दो बार सेंड होगा। क्यों? क्योंकि एच आई एक कीवर्ड है और हमने कह दिया कि ये कीवर्ड अगर कहीं भी मिलेगा तो मैसेज भेजना है। तो इसमें देखो, अगर एच आई हमने लिखा तो एच आई इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, दोनों कीवर्ड में एच आई आ रहा है ना, तो ये दो बार ट्रिगर कर जाएगा। कहने का मतलब एच आई वर्ड की सेंटेंस में कहीं भी मिलेगा तो ये मैसेज हमारा ट्रिगर हो जाएगा, भले वो कुछ भी मैसेज हो। आपने लिखा टी एच आई एस तो उसमें भी एच आई आ रहा है तो भी ये मैसेज चला जाएगा। तो क्या आप चाहते हो कि ये जाए? नहीं चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं कि ये गलती ना हो, तो इस गलती को ना होने के लिए हम क्या करेंगे, एच आई को हटा देंगे, क्योंकि एच आई के आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, लेकिन एच डबल आई तो नॉर्मली कहीं नहीं आएगा दो बार, ठीक है। तो एच आई आई लिख दिया, हेलो लिख दिया, हाय लिख दिया, है ना, ऐसे करके हमने तीन कीवर्ड डाले, एच ई एल ओ भी डाल दिया, चलो ये भी डाल दिया, ठीक है। तो ये चार कीवर्ड डाले और हमने यहां पर ये रिस्पॉन्डर सेट किया। अब ये रिस्पॉन्डर जब हमने सेट किया, अगर हम इसको टेस्ट करने की कोशिश करें, आपको दिखाएं हम, या आप सब लोग ही टेस्ट करो, चलो आप ही लोग टेस्ट करो। नंबर नोट करो 8874582582, इस पर मैसेज करिए। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैसेज क्या क्या आपको करके चेक करना है, ठीक है। मैसेज क्या क्या करना है आपको मैं बताता हूं। आप एक बार एच आई टाइप करिए, केवल एच आई। जब आप एच आई टाइप करेंगे तो आपको कोई रिप्लाई नहीं आएगा। जब आप एच आई रिप्लाई करेंगे तो आपको कोई रिप्लाई आया क्या? करके देखो 8874582582 इस नंबर पर मैसेज करिए। मैसेज करो आप, जो हमने कीवर्ड डाले हैं वो ट्राई करो, ठीक है, जो मैसेज हमने डाले वो ट्राई करो सारे, उन सब पे रिप्लाई आएगा आपको, लेकिन एच आई केवल टाइप करेंगे तो आपको मैसेज नहीं आएगा। नहीं आएगा क्यों? नहीं आया इसका गणित समझो, एक बार फिर से समझाने की कोशिश करते हैं। यहां पर हमने जो कीवर्ड लगाया है, कह रहे हैं हम कि अगर ये वर्ड कहीं भी मिल जाए तो हमारा मैसेज ट्रिगर हो जाएगा। अब एक मैसेज करो एच आई आई हाय सर या हाय हाउ आर यू, मतलब एच डबल आई जरूर लगाना, एच डबल आई करके कहीं भी डालोगे ना तो आपको मैसेज आएगा ही आएगा। अगर केवल एच आई लगा देंगे तो आपको मैसेज दो बार आएगा। करके देखते हैं, देखो इधर, अगर हमने यहां पर एच आई भी डाल दिया और एच डबल आई भी डाल दिया तो आपको मैसेज दो बार आएगा। एक बार करके देखते हैं, सबमिट किया मैंने, और अब आप केवल एच आई भेज के देखो, केवल एच आई भेजो और कुछ मैसेज देना, आपको दो बार आया होगा, आया ना, ठीक है, परफेक्ट काम कर रहा है, इसका मतलब ये काम ऐसे कर रहा है। अच्छा, एक बदलाव करके देखते हैं हम थोड़ा सा। यहां पर हमने लिख दिया मैसेज कंटेन्स द होल कीवर्ड, सेम चीज को हम इस पे करके देखते हैं और समझते हैं कि इसमें क्या काम करता है। तो जब हम मैसेज कंटेन्स द होल कीवर्ड लेंगे तो होल कीवर्ड में क्या होगा कि जब वो कीवर्ड डालोगे तभी मैसेज जाएगा। अगर आपने हाय हाउ आर यू लिखा तो आपको रिप्लाई नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? अगर आपने एच आई वर्ड के साथ कुछ और भी डाल रहे हो तो आपको रिप्लाई नहीं आएगा। नहीं आ रहा ना? क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हमने होल कीवर्ड लिया। अब केवल एच आई डालोगे तो आएगा आपको, केवल एच डबल आई डालोगे तो आएगा, केवल एच ई एल एल ओ लिखोगे तो आएगा रिप्लाई। लेकिन अगर हेलो हाउ आर यू, हेलो सर या हेलो के साथ में कुछ भी और डाला तो ये काम नहीं करेगा। कब नहीं काम करेगा? होल कीवर्ड में। होल कीवर्ड का मतलब जो कीवर्ड आप लगाए हो वो पूरा का पूरा कीवर्ड आपका मैच करना चाहिए, ठीक है, एग्जैक्टली मैच करना चाहिए, बस इतना समझो। यहां पर आपका वो कीवर्ड आना चाहिए और यहां पर एग्जैक्ट मैच होना चाहिए, इन दोनों में बस यही डिफरेंस है, ठीक है। तो यहां पर अभी के लिए मैंने ये डाल दिया है। अच्छा, जरा दिस टी एच आई एस भेजो जरा और देखो आपको रिप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, टी एच आई एस, क्योंकि उसमें एच आई मिल रहा है ना, और देखो आपको आ रहा है रिप्लाई कि नहीं आ रहा, इसका मतलब ये गड़बड़ कर रहा है ना, इसीलिए हमने कहा था कि आपसे इसमें एच आई मत डालिएगा। तो ये एच आई हम रिमूव करेंगे इसमें, क्यों, बात समझ गए ना मेरी, गड़बड़ कहां पे होगी? अगर किसी सेंटेंस में एच आई मिल गया
तो ये हमारा मैसेज ट्रिगर हो जाएगा और हम नहीं चाहते ये हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसको हम यहां से हटा देंगे और हटाने के बाद सबमिट कर देंगे। तो अब अगर एच आई को छोड़कर कुछ भी मिलेगा तो हमारा रिप्लाई जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। तो अब और केवल अगर एच आई लिख के भेजे तो मैसेज नहीं जाएगा। उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए हम काम ये वाला करेंगे, एक चैटबॉट और बना देंगे, ठीक है, सेम, और इसका नाम हम डाल देंगे ग्रीटिंग टू के नाम से। और इसमें हम क्या डालेंगे, केवल एच आई डालेंगे और यहां पर होल कीवर्ड ले लेंगे। क्यों, किसी ने सिर्फ हाय रिप्लाई करके भेजा तो हमारा ये मैसेज जाएगा। अब एक बार फिर से देखें, आपको प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, फिर से देख लो एक बार, जिन लोगों को नहीं समझ में आया, प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, इनेबल करना है, इंडिविजुअल लेना है, यहां पर नाम डाल दो ग्रीटिंग, ठीक है, और कीवर्ड में ले लोगे एच डबल आई, एंटर करो, एच ई एल ओ एंटर करो, एच ई डबल एल ओ एंटर करो, एच ई एंटर करो, एच एल ओ एंटर करो, एंटर करते जाओगे ये बनता जाएगा। उसके बाद में यहां पर अपना मैसेज टाइप करो, हाय हाउ आर यू, जो आप रिप्लाई में भेजना चाहते हो, और इसको सबमिट कर दो, काम हो गया आपका, ठीक है। और इसको करने के बाद, मतलब ये सेट करने के बाद, आप ये जरूर देख लीजिएगा, फिर से आप चैटबॉट पर क्लिक करिए, ये ऑन होना चाहिए स्टेटस, चैटबॉट पर क्लिक करेंगे तो ये स्टेटस ऑन होना चाहिए, अगर ये ऑन नहीं होगा तो आपका मैसेज नहीं जाएगा। देखो अगला चैटबॉट क्या बनाएंगे हम, ध्यान से समझो, हमने मैसेज क्या लिखा, हाय, कस्टमर ने मैसेज किया, तो हम उससे क्या पूछे, हाय हाउ आर यू, तो सामने वाला क्या रिप्लाई करेगा बताओ, यही तो रिप्लाई करेगा, आई एम फाइन, आई एम गुड, ग्रेट, बढ़िया हूं, अच्छा हूं, यही तो रिप्लाई करेगा। तो अब इसका चैटबॉट हम क्या बनाएंगे, अगर सामने वाला रिप्लाई करा मैं अच्छा हूं तो हम क्या रिप्लाई करते हैं, हम अपनी बात बोलेंगे कि ग्रेट, हाउ कैन आई हेल्प यू, या ग्रेट, प्लीज सेंड योर ईमेल आईडी, ऐसा करके हम अगला कन्वर्सेशन करेंगे। तो अब जो हम चैटबॉट बनाएंगे वो क्या बनाएंगे, ध्यान से समझिए, कस्टमर ने हमें रिप्लाई किया, क्या करा, पहले हम स्टेटस इनेबल करेंगे, सेंड टू करेंगे, और यहां पर हम करेंगे, यहां पर हम डाल देते हैं फाइन रिप्लाई। इससे हमें क्या पता चला कि सामने वाला जब फाइन का रिप्लाई करता है, फाइन रिप्लाई, ठीक है, और यहां पर हम कीवर्ड क्या डालेंगे, फाइन, माने कस्टमर ने हमसे क्या बोला, फाइन बोला, यहां पर हम लेंगे आई एम फाइन, अगर भेजता है कोई, आई एम गुड भेजता है, कुछ भी भेजता है, अगर ये कीवर्ड मिल जाए फाइन तो हमारा मैसेज चला जाए। तो उसके लिए हम कौन सा लेंगे, पहला वाला लेंगे, कंटेन्स द कीवर्ड, इसमें हम होल कीवर्ड नहीं लेंगे, क्योंकि अगर होल कीवर्ड लेंगे तो आपको आई एम फाइन लिखना पड़ेगा कीवर्ड में, लेकिन आप फाइन केवल लिख करके ये वाला ऑन कर दीजिए और आपका काम हो जाएगा। तो यहां पर हमने फाइन लिख दिया, किसी ने एफ नाइन टाइप कर दिया, किसी ने ग्रेट लिखा, किसी ने जी यू डी लिखा, किसी ने जी डबल ओ डी लिखा, ठीक है, किसी ने लिखा बढ़िया, किसी ने लिखा अच्छा, ठीक है, तो इस तरीके से मैंने वर्ड लिख दिए। अब देखो, अब ये वर्ड किसी भी सेंटेंस में मिलेगा तो हमारा मैसेज अगला रिप्लाई जाएगा ही जाएगा। जैसे मैंने यहां पर क्या लिखा, देखते जाओ, करना मत गलती से, यहां पर मैंने लिखा ग्रेट, ठीक है, और यहां पर आप इमोजी का आइकन देख रहे हो ना, इससे आप आइकन भी लगा सकते हो, तो ग्रेट, और यहां पर लिख दिया प्लीज सेंड योर ईमेल आईडी, If not given before, ठीक है, अगर आपने पहले अपनी ईमेल आईडी नहीं दी है तो आप अपना ईमेल आईडी, मान लो हम अपने बिजनेस में कस्टमर का ईमेल आईडी कलेक्ट करना चाहते हैं कि ना यार सामने वाला का ईमेल आईडी हमें मिल जाए, वो हमारे लिए ज्यादा जरूरी, तो हमने क्या कर दिया, प्लीज सेंड योर ईमेल आईडी इफ नॉट गिवन बिफोर, ध्यान से समझना इस बात को। तो अब क्या होगा बताओ, इस ऑटोमेशन को बनाने से क्या फायदा होगा बताओ, अगर कोई बंदा कुछ भी रिप्लाई करेगा, सर आई एम फाइन, आई एम गुड, आई एम ग्रेट, जो भी टाइप करेगा, उसको तुरंत हमारा मैसेज जाएगा क्या, ग्रेट, प्लीज सेंड योर ईमेल आईडी इफ नॉट गिवन बिफोर, ठीक है, इसको हम सबमिट करते हैं और जरा टेस्ट करके देखो इसको काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, अभी बंद हो गया, ठीक है, देखो कीवर्ड मैच हो जा रहा है ना, आप भी ग्रेट भेज रहे हो, हम भी ग्रेट भेज रहे हैं, ये गड़बड़ी होगी तो आपका चैटबॉट रुकेगा नहीं, ठीक है, उस केस में वो कीवर्ड आपको अपने चैटबॉट से हटाना पड़ेगा, नहीं तो ये सालों साल चलता रहेगा। देखो अभी क्या हुआ, हमने ग्रेट डाला,
तो हमारे लाइन में वंडरफुल है, तो अब अगर आपका ग्रेट मैच कर रहा है तो हमारा रिप्लाई नहीं जाएगा, अभी जो चैट बॉट बार बार जा रही थी वो नहीं काम करेगा, करके देख लो, क्योंकि हमने यहाँ वर्ड वंडरफुल डाल दिया ना, तो वंडरफुल तो आपने लगा नहीं रखा चैट बॉट में, तो वो काम नहीं करेगा। देखो बढ़िया काम कर रहा है सबका, जबरदस्त, कोई दिक्कत। इस तरीके से आपको चैट बॉट बनाना है, और आप देखोगे यहाँ पर प्लीज सेंड योर ईमेल आईडी का ऑप्शन आया। अब देखो अब सामने वाला क्या करेगा, ईमेल भेजेगा, ठीक है। तो अब हम ईमेल भेजने का चैट बॉट बनाएंगे, क्या बनाएंगे, ऐड आइटम पर क्लिक करेंगे, और ऐड आइटम पर क्लिक करने के बाद इसको इनेबल करेंगे, और यहाँ पर हम मैसेज कंटेंस द कीवर्ड में एट द रेट लिखेंगे, और कीवर्ड में भी एट द रेट लिखेंगे। क्यों, यानी कि जैसे ही एट द रेट कहीं मिला तुरंत क्या रिप्लाई जाएगा, हम यहाँ पर रिप्लाई कर देते हैं, एक मिनट, थैंक्स की जगह हम ये डालेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पर अगला क्वेश्चन डालेंगे, जो भी आपको रिप्लाई करना है, जैसे हम चाहते हैं कि हाउ कैन आई हेल्प यू, ठीक है। यहाँ पर मैंने करा कि अब मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूं, और यहां पर मैंने डाल दिया सेंड वन फॉर कोर्स इंक्वायरी, सेंड टू कोर्स इंक्वायरी हो गया, और हो गया यहां पर ऐप सपोर्ट, सेंड थ्री अदर सपोर्ट। अब देखो यहां पर जो हमने लिखा ना, इसको ध्यान से समझो, पहले ध्यान दो फिर से ऊपर स्क्रीन पे, हमने एट द रेट रिप्लाई होने पर तीन चीजें यहां पर लिखी है, हाउ कैन आई हेल्प यू, पहला ऑप्शन दिया है कि अगर आप कोर्स की इंक्वायरी करना चाहते हो तो वन प्रेस करिए, वन हमें रिप्लाई करिए, अगर आप ऐप सपोर्ट चाहते हैं तो टू रिप्लाई करिए, अगर कोई और सपोर्ट चाहते हैं तो थ्री रिप्लाई करिए। नॉर्मली हमारे बिजनेस में तीन तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, या तो वो कोर्स पूछना चाहता होगा स्टूडेंट, या तो वो ऐप से रिलेटेड कोई जानकारी चाहता होगा, या तो फिर और कोई जानकारी चाहता होगा। तो यहाँ पर तीन रख दिया, और तीनों में हमने स्टार के अंदर नंबर लिखने का मतलब बोल्ड नंबर, दो स्टार के अंदर आप जो भी चीजें लिखते हो वो बोल्ड में होती है ना, थोड़ा सा मोटा होता है, तो यहाँ पर ये डाल करके हमने सेव कर दिया, ठीक है। अभी देखो आप अपना ईमेल आईडी भेजो, जरा सब लोग ईमेल आईडी भेजो, और देखो क्या रिप्लाई आ रहा है, यही मैसेज आ रहा है रिप्लाई में, डन आ गया। अब कस्टमर क्या रिप्लाई करेगा, वन टू या थ्री में से कोई ना कोई एक रिप्लाई करेगा, तो पहला हम वन रिप्लाई करवाते हैं, ठीक है, कि मान लो कस्टमर ने भेजा वन, तो यहां पर हम लेंगे होल कीवर्ड। होल कीवर्ड हम क्यों लेंगे, क्योंकि कस्टमर वन ही भेजेगा, ठीक है। तो यहां पर हमने लिख दिया वन, और यहां पर भी लिख दिया वन, और यहां पर लिख दिया सेंड वन, ठीक है। और अब हम पूछेंगे कि आप कौन सा कोर्स लेना चाहते हो, ठीक है। तो सेंड वन में हमारे पास तीन कोर्सेस हैं, और तीन कोर्स की हमें जानकारी देना है, ठीक है। तो यहां पर हम लिख देंगे वी हैव थ्री कोर्सेस फॉर नीट 2024, प्लीज सेलेक्ट बिलो, प्लीज सेलेक्ट वन ऑफ देम, ठीक है। अब देखो यहां पर हमने लिखा सेंड, और इसका कोड डाल देते हैं कुछ, सेंड ए फॉर इसके लिए एक बैच का नाम है ट्रांसफॉर्मर बैच, और यहां पर लिख देंगे हम सफल 2023 रिकॉर्डेड, ठीक है। अपने कोर्स का हम नाम लिख दिए हैं, यहां पर हमने लिख दिया सेंड बी, और यहां पर हम लिखेंगे बायोलॉजी क्लासरूम लेक्चर्स, और यहां पर हम लिख देंगे सी, ध्यान से समझना, सेंड सी लिखा है,
और यहां पर हमने लिख दिया कि ए रिप्लाई करने पर ये जाएगा ट्रांसफॉर्मर पीसीबी बैच सफल पीसीबी, और यहां पर हम लिख देंगे चैलेंजर्स और यहां पर हम टी लिखते हैं, ये ज्यादा सही रहेगा, ट्रांसफार्मर बायोलॉजी और चैलेंजर, और यहां पर हम लिखते हैं टारगेट 2021 ठीक है। तो देखो हमारे पास ये सर्विस है, आपके पास जो है अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो देखो मेरे केस में क्या बनता है यहाँ पर कि तीन कोर्सेस हैं और इसमें हमने कर दिया कि भैया अगर आपको ट्रांसफार्मर बैच चाहिए तो टी प्रेस करिए, बायोलॉजी रिकॉर्डेड चाहिए तो बी प्रेस करिए, और अगर आपको चैलेंजर बैच चाहिए तो सी आपको प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये वर्ड लिखा है और उसके बाद में कोर्स की थोड़ी डिटेल लिख दी और उसके बाद में हमने यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर दिया। ठीक है, और अभी यहां पर हमने जैसे ही आप वन रिप्लाई करोगे तो आप देखोगे ये मैसेज आपको आएगा, देखो आ रहा है वन रिप्लाई करो, जरा वन या फिर सेंड वन रिप्लाई करो, आ रहा है परफेक्ट। अब देखो सामने वाले ने जैसे ही टी रिप्लाई करा, क्या रिप्लाई करा, टी रिप्लाई करा, तो टी रिप्लाई करने के बाद हम क्या चाहते हैं, मैसेज कंटेन्स द होल कीवर्ड, और यहां पर हमने लिख दिया टी, यहां पर भी लिख दिया टी, या फिर मान लो कोई गलती से सेंड टी कर दे तो सेंड टी। ठीक है, अब किसी ने भी टी रिप्लाई करा, एग्जैक्टली टी रिप्लाई करे, अगर कहीं सेंटेंस में टी आएगा तो नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि हमने लिया है होल कीवर्ड, होल कीवर्ड का मतलब एग्जैक्ट मैच, तो टी हमने लिखा है, अगर सामने वाला का टी रिप्लाई आया तो हम ट्रांसफॉर्मर बैच की डिटेल भेज देंगे उसको। डिटेल भेजने के लिए हम क्या करेंगे, फोटो लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर ये जो अपलोड का ऑप्शन है ना यहाँ पर जाएंगे और ट्रांसफॉर्मर बैच यहाँ से हम फोटो लगा देंगे, और फोटो लगाने के बाद इस कोर्स की डिटेल डाल देंगे। तो कोर्स की डिटेल हम थोड़ा सा यहाँ से ले लेते हैं और उसके बाद इसको हमने कॉपी करा और कॉपी करने के बाद इसको हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ठीक है, नीट 2022-23 सफल बैच रिकॉर्ड कोर बेनिफिट और ये सब लिख दिया, और यहाँ पर टीचर्स के बारे में लिख दिया, सब डिटेल में पूरा लिख दिया, और नीचे चाहे तो हम बाय नाउ कर सकते हैं। ठीक है, बाय नाउ पे कोर्स का लिंक डाल देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप ऑटोमेटिक सेल्स भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कस्टमर क्या होगा, कोर्स की पूरी जानकारी मिल गई, जिसको लेना है तो भैया वो कोर्स पे क्लिक करेगा और जाकर के ले लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये लिंक डाल दी, और लिंक डालने के बाद ठीक है ये हमने डाल करके इसको कर दिया सबमिट, कोई गड़बड़ी तो नहीं है, परफेक्ट। ठीक है, अब देखो जैसे ही आप टी या सेंड टी भेजोगे आपको तुरंत अगला मैसेज चला जाएगा। अब इसी तरीके से हम बी का बना लेंगे और सी का बना लेंगे। ठीक है, होल कीवर्ड और यहां पर हमने बना लिया बी का, और बी का रिप्लाई हम क्या बनाएंगे, बी या फिर सेंड बी। ठीक है, और यहां बायोलॉजी क्लासरूम लेक्चर की फोटो डालेंगे, देखो फोटो वगैरह प्रॉपर ट्रांसफर हो रही है, करके देखो सारे लोग, भेज करके देखो, टी भेज के देखो, और यहां पर हम बायोलॉजी क्लासरूम लेक्चर की इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे, कोर्स का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन हम यहां से कॉपी कर लेते हैं और उसको हम यहां पर सेट कर देंगे। ठीक है, और बाय नाउ का लिंक लगा देंगे। डन, इसी तरीके से हम सी का बना देंगे, तो आप देखोगे कि हमारे कस्टमर की सारी प्रॉब्लम तो ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगी, कुछ भी पूछेगा सब ऑटोमेटिक रिप्लाई जाएगा। और सी में हम क्या करेंगे, चैलेंजर बैच की डिटेल डाल देते हैं, और यहां से इस कोर्स की डिटेल ले लेते हैं
इसका लिंक मैंने डाल दिया, सबमिट कर दिया। अब देखो हमारे किन किन क्वेश्चंस का आंसर मिल गया है। अभी तो हम वन वाले का काम किए थे, जैसे ही किसी ने वन रिप्लाई करा तो वन रिप्लाई करने के बाद हम तीन रिप्लाई का ऑप्शन दे रहे थे, टी बी और सी का। लेकिन अगर किसी ने टू रिप्लाई किया और टू पे हमने क्या कहा था, ऐप सपोर्ट, है ना। तो ऐप सपोर्ट में हम यहां पर करेंगे, अगर किसी को टू रिप्लाई करना है तो यहां पर हम टू कर दिए, यहां पर हम टू कर दिए और सेंड टू कर दिए और यहां पर अपना मैसेज डाल दिए, है ना। प्लीज कॉल मी एट 8874582582, और यहां पर टाइम डाल दिया कि भैया आप 10 बजे से लेके शाम 6 बजे तक इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं, ठीक है। कब, और यहां पर हम होल कीवर्ड ही लेंगे, तो जैसे ही कोई टू प्रेस करेगा तो उसको ये मैसेज चला जाएगा, और थ्री पे भी हम यही करना चाहते हैं तो थ्री पे भी हम यही कर देंगे, या फिर वो उसी में हम कर सकते थे, चलो उसी में थ्री कर देते हैं, टू एंड थ्री। तो यहां पर हमने थ्री कर दिया, सेंड थ्री कर, क्योंकि दोनों केस में हम सेम मैसेज भेजना चाहते हैं, तो यहां पर हमने डाल दिया। अब देखो हमारा पूरा बिजनेस ना एक तरीके से ऑटोमेट हो गया, कुछ भी मैसेज करो आप, देखो उसके रेलेवेंट, हमारा जो कस्टमर है ना उसके रेलेवेंट सब कुछ उसको जवाब ऑटोमेटिक मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये है व्हाट्सएप ऑटोमेशन का फायदा, व्हाट्सएप चैटबॉट का फायदा। जितना ज्यादा पावरफुल तरीके से आप बना लोगे इसको, जितना कस्टमर के क्वेश्चन को समझो, अब मान लो बहुत बार लोग थैंक्स भेजेंगे हमें, है ना, तो हम क्या करेंगे, यहां पर एक थैंक्स का बनाएंगे, क्या थैंक्स का बनाए, और यहां पर हमने डाल दिया थैंक, केवल थैंक लिखेंगे और कुछ नहीं, क्योंकि हम चाहते हैं कि थैंक जहां भी मिल जाए वहां पर भी हमारा मैसेज ट्रिगर हो जाए, ठीक है। तो हम यहां बोल सकते हैं प्लीज शेयर योर रिव्यू ऑन नीट अभ्यास ऐप। इनडायरेक्टली हम काम कर रहे हैं, देखो ना यहां पर हमने नीट अभ्यास ऐप की लिंक ली, और इससे क्या फायदा होगा अभी देखना, क्योंकि बहुत सारे काम आप बार बार नहीं कर सकते हो। यहां पर ये हमारा ऐप है, इसका लिंक हमने लिया और यहां पर हमने चैटबॉट में क्या लगा दिया, देखो इसका मतलब समझो, यहां पर मैंने बोला कि प्लीज शेयर योर रिव्यू ऑन नीट अभ्यास ऐप, ठीक है, ये हमने डाल करके सेव कर दिया। अब जैसे ही कोई थैंक्स बोलेगा, तो नॉर्मली आपको कोई थैंक बोलेगा तो आपको याद थोड़ी ना रहेगा यार उससे रिव्यू लेना है, बट ये आपका काम ऑटोमेटिक करेगा। अगर कोई भी थैंक बोलेगा इसका मतलब वो बंदा खुश होगा, और जब खुश होगा तभी हम उससे चाहेंगे रिव्यू लेना, हर कंडीशन में रिव्यू नहीं मांगा जाता है, कोई दुखी हो तब भी पता चला ये जा रहा है, तो थैंक्स बोलने पर ही हमारा ये मैसेज जाएगा, और मैसेज जाएगा तो हमारा ऑटोमेटिक रिव्यू भी कलेक्ट हो रहा है, ठीक है। बहुत बार आपके कस्टमर बोलेंगे ओके, तो आप ओके का रिप्लाई सेट कर सकते हो, ओके का रिप्लाई नॉर्मली हम क्या देते हैं, अगर सामने वाला कहा ओके तो आप क्या करोगे, ओके, और यहां पर हम लिख देते हैं ओके okay। तो आपको जो भी रिप्लाई करना आप कर सकते हो, जैसे हमने यहाँ कर दिया ओके जी थैंक्स, ठीक है। तो ये सेट करने से क्या फायदा हुआ कि सामने वाला बंदा अगर ओके रिप्लाई करेगा तो ऑटोमेटिक वो मैसेज हमारा ट्रिगर हो जाएगा। अब बताओ इसको यूज करो और देखो कितना जबरदस्त चीज हमने करी है। किसी भी बिजनेस को अच्छा बनाया जा सकता है, प्रोफेशनल बनाया जा सकता है, कस्टमर्स को रिप्लाई, क्योंकि अब रात को 11 बजे कस्टमर कभी भी मैसेज कर सकता है, उन 11 बजे बैठ के रिप्लाई तो नहीं दोगे, अब वो आपसे एक छोटी सी जानकारी चाहता है लेकिन वो जानकारी आप नहीं दे पाए और आपका कस्टमर चला गया। बट यहां पर अगर आप कस्टमर को अपने समझ पाते हैं उनके क्वेश्चंस को, तो उसके सेट ऑफ रिप्लाईज बना सकते हैं और आप उनको ऑटोमेटिक बहुत सारा रिप्लाई दे
खेल सकते हैं। अब एक कन्वर्सेशन करके देखो, जरा हाय से शुरू करके पूरा करके देखो, सब कुछ टेस्ट करो। देखो ऐसा लगेगा जैसे आप किसी पर्सन से बात कर रहे हो, पूरा वही फील आएगा आपको। तो क्या आपको लगता है कि इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से बिजनेस को और ज्यादा अच्छा किया जा सकता है, सिस्टमेटिक किया जा सकता है, ऑटोमेट किया जा सकता है? ठीक है, उसके बाद देखो अगला ऑप्शन देखो, इतना ही नहीं है इसमें, इसमें और भी बहुत कुछ है। और क्या है, सपोज करो कि आपका कस्टमर आपकी वेबसाइट पर फॉर्म भरा और हम चाहते हैं कि ये व्हाट्सएप हमारा ऑटोमेटिक मैसेज भेज दे, कितना जबरदस्त होगा। किसी ने आपकी वेबसाइट पे फॉर्म भरा और ये आपको ऑटोमेटिक मैसेज भेज दे, होगा ना पावरफुल। किसी ने आपके फेसबुक पर एड चलाई थी और फेसबुक फॉर्म भरा और फॉर्म भरते ही व्हाट्सएप ऑटोमेटिक मैसेज भेज दे, वो सोचेगा सामने वाला, यार हमने फॉर्म तो फेसबुक पे भरा, मैसेज हमको व्हाट्सएप तुरंत आ गया इंस्टेंट। इतना इंसान काम तो नहीं कर सकता ना तेज, बट ऑटोमेशन के थ्रू आप कर सकते हो, इसी से कर सकते हो, इसी से कर सकते हो। ठीक है, बट ये हम आपको अभी बताएंगे नहीं, बट अगर आपको टेस्ट करना है तो आप वेंट सॉफ्टवेयर की वेबसाइट पे जाओ और कोई भी एक फॉर्म भर के देख लो, आपको ऑटोमेटिक ईमेल और व्हाट्सएप आ जाएगा। देखो बल्क मैसेज में हमें क्या करना है, बल्क मैसेज पे जाना है, प्लस पे क्लिक करेंगे और प्लस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपना प्रोफाइल सेलेक्ट कर लेना है जिससे मैसेज भेजना है। प्रोफाइल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आप अपने कैंपेन का नाम डाल सकते हैं, जैसे यहाँ मैंने डाल दिया टेस्ट कैंपेन। ठीक है, उसके बाद आपको कॉन्टेक्ट ग्रुप डालना है, तो कॉन्टेक्ट ग्रुप जो हमने बनाए थे पहले उसी में से हमने पेड यूजर्स में जो कुछ कॉन्टेक्ट ऐड करे थे ये वाला ग्रुप हमने ले लिया। और अगेन आपको क्या मैसेज भेजना है, आप यहाँ पर चाहे तो फाइल भी ले सकते हैं, अपलोड भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर आप अपना कैप्शन ले सकते हैं, है ना। जैसे हमने यहाँ पर कुछ मैसेज डाल दिया, यहाँ पर हम एक मैसेज डाल देते हैं या केवल वेबसाइट ही हम डाल देते हैं, चलो अभी के लिए ये वेबसाइट हमने डाल दिया, आप जो चाहे वो मैसेज लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको टाइम टू पोस्ट का ऑप्शन आता है, यानी कि ये मैसेज कब आपको भेजना है, तो आप जब चाहे तब का टाइम और डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको तुरंत भेजना है तो आप यहाँ पर नाउ पर क्लिक करिए, नाउ पर क्लिक करने के बाद डन पर क्लिक करिए और यहाँ पर आपको डिले का ऑप्शन दिया गया है कि जो आपका मैसेज है वो कितने इंटरवल बाद जाएगा। जैसे हम नहीं चाहते कि मैसेज हमारा तुरंत के तुरंत जाए, हम चाहते हैं कि 2, 3, 4, 10 सेकंड का गैप रहे, तो यहाँ पर हमने ले लिया मान लो 9 सेकंड, फिर यहाँ पर भी हम 9 सेकंड ले लिए कि 9, 9 सेकंड के गैप पर ये हमारा मैसेज जाता रहेगा। शेड्यूल टाइम भी है, अगर आप डे टाइम पे मैसेज देना चाहते हैं, नाइट टाइम पे, ऑड इवन, तो यहाँ पर जैसे नाइट टाइम आप ले लिए तो ऑटोमेटिक ये टाइम सेलेक्ट कर लिया, इस टाइम पर आपका ये मैसेज ऑटोमेटिक भेजेगा, 12 बजे, फिर 1 बजे, फिर 2 बजे, फिर 3 बजे, ऐसे करके। ठीक है, तो अगर आपको ये लेना है आप ले सकते हैं, अदरवाइज आप कुछ भी मत लीजिए और शेड्यूल कर दीजिए। जैसे आप शेड्यूल करेंगे आपके व्हाट्सएप से जो भी पेड यूजर्स होंगे उनको मैसेज जाना शुरू हो जाएगा। देखिए आप यहाँ पर ये पहला मैसेज गया, ठीक है, उसके बाद सबको ये वेबसाइट जा रही neetabhyas.com, उसके बाद 9 सेकंड के बाद दूसरा मैसेज जाएगा, फिर 9 सेकंड बाद, फिर 9, 9 सेकंड के बाद मैसेज आपका जाना शुरू हो जाएगा। ये देखो जा रहा है और यहाँ पर आपको जो भी मैसेज गए हैं वो दिखाएगा भी कि कितना मैसेज आपका जा चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 2 मैसेज हमारे सेंड हो चुके हैं, 3 मैसेज जा चुके हैं, 80 पेंडिंग है। यहाँ पर जो फेल होगा वो दिखा देगा, स्टेटस यहाँ पे दिख जाएगा। इसको आप एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, रिपोर्ट भी देख सकते हैं। अगर एंड बिटवीन मान लो एक कैंपेन चल रहा है, बीच में आपको एडिट करना है, आप एडिट पे क्लिक करिए और यहाँ पर जो भी बदलाव आपको करने हैं कर करके अपडेट कर दीजिए। इस तरीके से आप बल्क मैसेजेस कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं किसी भी ग्रुप से नंबर्स को निकालना, तो यहाँ पर एक आपको ऑप्शन मिलता है एक्सपोर्ट पार्टिसिपेंट्स का, इस पर आप क्लिक करिए। उसके बाद में यहाँ पर आप अपना अकाउंट सेलेक्ट कर लीजिए, मान लीजिए हमारे पास ये वाला अकाउंट है और जो भी ग्रुप आपके पास ऐड होंगे उसमें जिस ग्रुप को आपको डाउनलोड करना है उस ग्रुप पे एक मैसेज डाल दीजिएगा, हेलो का मैसेज डालिए। जैसे ही आप मैसेज डालेंगे यहाँ पर आपको ग्रुप दिख जाएगा, यहाँ पर देखो हमारे पास एक ग्रुप है स्टाफ का, इसको आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है और जैसे ही आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे इंस्टेंटली आपके ग्रुप के मेंबर्स निकल के आ जाएंगे।
अगर आपके पास बहुत सारे ग्रुप हैं, आप सबके नंबर निकालना चाहते हो, तो ये एक मेथड है जिससे आप निकाल सकते हो। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी चीजें हैं। और लास्ट में आपको मिलता है एपीआई मॉड्यूल। एपीआई की मदद से आप थर्ड पार्टी ऐप को कनेक्ट कर सकते हो, जैसे आपका वेबसाइट है, फेसबुक ऐड है, ऐप है, आप चाहते हो वहां पे कोई साइन अप करे, ऑटोमेटिक व्हाट्सएप चला जाए, कोई लैंडिंग पेज पे फॉर्म भरे, मैसेज चला जाए, तो ये सब काम आप एपीआई के माध्यम से करते हो, जो कि एक टेक्निकल पार्ट है। उसके लिए आप किसी डेवलपर को या फिर हम लोगों को हायर करके ये काम करवा सकते हैं। ठीक है, इतना ही है इसमें।